आपके पास हैं 40 दिन, वरना हो सकता है नुकसान। अगर आपने बेहतर भविष्य और टैक्स बचाने के लिए निवेश किया है तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल वित्त वर्ष 2018 से 19 खत्म होने में अब 40 दिन से कम बचे हैं। ऐसे में अगर आपने NPS, PPF और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है तो इसको मेंटेन करना पड़ता है, वरना अकाउंट बंद हो जाता है। इसे फिर से शुरू करवाने के लिए जुर्माना भरना पड़ता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि 31 मार्च से पहले क्या जरूरी काम कर लें ताकि आपको नुकसान न उठाना पड़े। टैक्स सेविंग और निवेश के लिहाज से पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF को भी एक बेहतर विकल्प माना जाता है। इस अकाउंट में भी एक निश्चित राशि जमा करनी होती है, इसलिए आप 31 मार्च से पहले अपने PPF अकाउंट में ₹500 जमा करवाएं। ऐसा नहीं होने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। नेशनल पेंशन सिस्टम NPS एक रिटायरमेंट के लिए एक बेहतर योजना है। यह टैक्स सेविंग का भी अच्छा विकल्प है। अगर आपने भी NPS में अपना अकाउंट खुलवा रखा है तो यह सुनिश्चित कर लें कि 31 मार्च पहले आपके अकाउंट में मिनिमम ₹500 मंथली और सालाना जमा होने वाले ₹6,000 जमा कराए जा चुके हों। ऐसा नहीं होने की सूरत में आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। ऐसा होने पर आपको फिर से अपना अकाउंट एक्टिव करवाने के लिए पेनल्टी देनी होगी। सुकन्या समृद्धि स्कीम बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिहाज से सुकन्या समृद्धि योजना सुकन्या समृद्धि स्कीम को एक बेहतर योजना है। इस योजना के तहत खोले गए अकाउंट में भी एक साल के दौरान ₹1,000 जमा करवाना जरूरी है।